नमस्ते रुचिरा, मैं आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तिरामिसू, एक इटालियन डेजर्ट है। ये लेडी फिंगर बिस्किट्स और ये है मास्कारपोने क्रीम चीज, जो तिरामिसू बनाने में यूज होते हैं, वो भी हम आज घर पर ही बनाने वाले हैं। आपने बहुत बार इसे कॉफी शॉप या रेस्टोरेंट में ऑर्डर करके खाया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, उसके साथ ये बहुत ही कॉस्टली भी मिलते हैं, पर हम इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। परफेक्ट तिरामिसू बनाने के लिए एंड तक वीडियो में मेरे साथ बने रहना। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेडी फिंगर बिस्किट्स बनाएंगे। इसके लिए मैं एक बाउल में ले रही हूँ आधा कप बटर, ये रूम टेम्परेचर में है, और 1/4 कप पिसी हुई चीनी, और फ्लेवर के लिए 2-3 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस मैंने इसमें ऐड किया है। इसे हम हैंड बीटर से अच्छे से मिक्स करेंगे। देख सकते हैं इसका एकदम क्रीमी टेक्सचर आ गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा, इसे हमें छान कर ही यूज करना है। अब इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर, और इसे भी अच्छे से छान लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका हमें एक बैटर तैयार करना है। हमें एक साथ दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर ही हमें इसका एक सेमी सॉलिड बैटर तैयार करना है। आप देख सकते हैं हमारा बैटर बनकर तैयार है। इसी कंसिस्टेंसी में हमें बैटर बनाना है। अब मैंने बैटर को एक पाइपिंग बैग में डाल दिया है और राउंड नोजल इसमें लगा दिया है। यहाँ पे मैंने लिया है बेकिंग ट्रे, इसके ऊपर हम इस तरह से लेडी फिंगर बिस्किट्स तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया पाउडर शुगर, इसके ऊपर हम इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे। अब ये बेक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब प्रीहीटेड ओवन में मैं इसे कन्वेक्शन मोड में 15 मिनट्स तक बेक करने वाली हूँ। बाकी बचा हुआ बैटर से मैं और एक बैच लेडी फिंगर्स बिस्किट्स तैयार करने वाली हूँ। अब देख सकते हैं 15 मिनट बाद हमारा लेडी फिंगर बिस्किट्स अच्छे से बेक होकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें यूज होने वाला मास्कारपोने चीज बनाने वाले हैं। इसके लिए एक हाफ मेजरिंग कप से मैंने 2 बार दूध डाल दिया है, मतलब 1 कप दूध लिया है, और अमूल फ्रेश क्रीम 1/4 कप लिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पर एक बॉईल आने तक हमें इसे पकाना है। आप देख सकते हैं दूध में अच्छे सा बॉईल आ गया है। गैस को बंद कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच विनेगर और उसमें 1 चम्मच पानी ऐड किया है। अब एक एक चम्मच करके विनेगर का पानी इसमें डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से मैंने सारा विनेगर इसमें ऐड कर दिया। अब देख सकते हैं दूध हमारा फटने लगा है। हमें क्रीम चीज के लिए इसी तरह का दूध चाहिए। अब इस दूध को हमें छान के लेना है। एक बर्तन के ऊपर मैंने कॉटन का कपड़ा रख दिया है और ये दूध इसके ऊपर इस तरह से डालते जाएंगे और 2-3 ग्लास साफ पानी से इसे अच्छे से वॉश करना है, ताकि इसमें से विनेगर का स्मेल निकल जाए। अब इसे अच्छे से बांधकर हमें आधा घंटे तक रख देना है, ताकि इसमें से सारा पानी निकल जाए। आधा घंटे बाद हमने जो क्रीम चीज बनाया था उसे मैंने एक बाउल में लिया है। इसे हमें अच्छे से बीट करना है। ये मास्कारपोने चीज
बाहर शॉप में आपको मिल जाएगा, पर ये बहुत ही कॉस्टली मिलता है, पर आप इसे घर पर आसानी से इस तरह से बना भी सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पाउडर शुगर और 2-3 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस। इसे भी हमें अच्छे से एक बार फिर से बीट करना है। हमारा मस्कपोने चीज बनकर तैयार है। बहुत ही ज्यादा क्रीमी और बटरी रहता है, इसलिए तिरामिसु बनाने में इसी क्रीम का इस्तेमाल होता है। अब मैंने एक और बोल में लिया है 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम। इसे भी हम अच्छे से बीट करेंगे। आप देख सकते हमारा व्हिप क्रीम बीट होकर तैयार है। अब जो हमने मस्कपोने चीज बना के रखा था वो इसमें ऐड करेंगे। और इसे एक बार फिर से अच्छे से बीट करेंगे। हमारा क्रीम चीज बनकर तैयार है। अब हम फाइनल प्रोसेसिंग के ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं हमारे लेडी फिंगर बिस्किट्स एकदम बढ़िया सा कलर आया है। ये एकदम क्रिस्पी और फ्लफी बने हैं। यहाँ पे मैंने कॉफी पाउडर को हल्का सा गर्म पानी में ऐड करके कॉफी का पानी बना लिया है। तिरामिसु बनाने के लिए एक रेक्टेंगल का कंटेनर लिया है। अगर आपके पास इस तरह के कंटेनर नहीं है तो आप राउंड कंटेनर में भी इसे बना सकते हैं। अब हम लेडी फिंगर बिस्किट लेंगे और इसे कॉफी का पानी में अच्छे से डिप करेंगे और हमें इस कंटेनर में इस तरह से इसे रखते जाना है। अब हमारा क्रीम चीज है वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। और इसे अच्छे से हमें स्प्रेड करना है। यहाँ पे मैंने लिया है चॉकलेट गनाश। आप चाहो तो यहाँ पे आप कोको पाउडर भी यूज कर सकते हैं, पर मैंने इसे और ज्यादा चॉकलेटी बनाने के लिए एक चॉकलेट गनाश लिया है। इसका एक लेयर हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। अब फिर से सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। लेडी फिंगर बिस्किट को कॉफी वाटर में डिप करके इस तरह से रखना है। उसके ऊपर जो बचा हुआ हमारा क्रीम चीज है उसे हम डाल देंगे और अच्छे से इसे स्प्रेड करना है। मैंने लिया है कोको पाउडर, उसे हम इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे। हमारा तिरामिसु बनकर तैयार है। अब हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। 5 घंटे बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल दिया है। ये अभी एकदम सेट हो गया है और सर्व करने के लिए तैयार है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाने वाली हूँ। ये देखिए ये कितना ज़्यादा चॉकलेटी और टेस्टी बना है। मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक्स।